हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी इंटरवल पॉजिटिव लेंथ का अगर है तो वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक इंटरवल डिफाइन कर लिए हैं कि लेट से ओपन इंटरवल 0-1 है, वो अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग काउंटेबल सेट कैसे डिफाइन होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है वो देख चुके हैं, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हम लोग ये रखते हैं कि 0-1 जो इंटरवल है वो अनकाउंटेबल होगा, इसे प्रूव करना है। तो हम लोग इसे प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो इंटरवल है 0-1 ये कैसा है, काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो हम लोग ये सपोज करते हैं, सपोज इंटरवल 0-1 इज काउंटेबल। 0-1 क्या है, काउंटेबल है, हमारा 0-1 काउंटेबल है। और जब भी कोई सेट काउंटेबल होता है इसका मतलब इसका बायजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, इसका बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, अगर ये सेट इन्फाइनाइट है जो कि 0-1 होता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, सपोज 0-1 इज इन, देन देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन सेट 0-1 सेट 0-1 एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और 0-1 है, दोनों के बीच क्या होगा, बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 0-1 जो काउंटेबल सेट बोल रहे हैं इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होगा उसे हम लोग राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 0-1 एज फॉलोज। ठीक है, हम लोग इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं 0-1 को। तो सो ये x1 लेंगे, x1 क्या होगा, सो ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 पॉइंट हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, a11 a12 a13 अप टू a1n एंड सो ऑन। क्या होगा, x1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब a11 क्या है, तो a11 मीन्स मेरा जो भी aij जो वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, aij इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 9। 0 और 9 के बीच यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, लाइक 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। इसी तरह a12 भी कुछ भी हो सकता है, 0 और 9 के बीच कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया x1। फिर x2 डिफाइन करेंगे, लेट से 0.821 a22 a23 a2n एंड सो ऑन। फिर x3 हम लोग डिफाइन करेंगे, 0.a31 a32 a33 एंड सो ऑन, a3n एंड सो ऑन। ऐसा ये चलता जाएगा, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर लेट्स से xn डिफाइन करेंगे, दिस इज 0.an1 an2 an3 ann एंड सो ऑन। एंड ये ऐसा चलता जाएगा, और ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये सेट काउंटेबल है, इसका ये मतलब है कि दोनों के बीच बाइजेक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। मीन्स ये जो होगा x1 वो 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, x2 क्या होना चाहिए 2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, x3 क्या होना चाहिए 3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ऐसे ये n के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ऐसा चलता जाएगा क्योंकि बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स हम लोग ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितना 0-1 के बीच जितना एलिमेंट है उन सबको हम लोग इस फॉर्म में फिगर आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। और अगर मुझे ये दिखाना है कि ये अनकाउंटेबल होगा तो मुझे एक ऐसा नंबर फॉर्म कर देना होगा इस 0-1 के बीच ही, जो यहाँ जो हम लोग डिफाइन किए x1 x2 xn इसके बीच ना मिले। ठीक है, तो वैसा हम लोग नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट ए नंबर, हम लोग कोई भी एक नंबर डिफाइन करते हैं, लेट से y हम लोग को एक नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है, y जिसका वैल्यू होगा 0.b11 b22 b33 b44 ऐसे चलता जाएगा एंड bnn एंड सो ऑन। ठीक है, b11 b22 b33 b4 ऐसा कुछ वैल्यू होगा। और ये जो b11 हम लोग डिफाइन करेंगे इसे एक डिफिनिट सेट ऑफ रूल्स से डिफाइन करेंगे, वेयर bnn का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कि ann का वैल्यू क्या है। ठीक है,
बी एन एन हम लोग वैसे डिफाइन करेंगे जो डिपेंड करेगा ए एन एन का वैल्यू क्या है। तो लेट्स से ए एन एन का वैल्यू हम लोग एक सिंपली ले लेते हैं, वन है। जब ए एन एन का वैल्यू वन होगा तो इसका वैल्यू जो बी एन एन का देंगे वो वन से अलग कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेट्स से मैंने दे दिया यहाँ पे थ्री, ठीक है। और जब ए एन एन नॉट इक्वल्स टू वन होगा तो इसका वैल्यू आप कुछ भी दे दो, लाइक यहाँ पे कर दो कितना कर दो, तब इसका वैल्यू वन कर दो, सिंपल है, ठीक है। हम लोग क्या किए, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग वैल्यू डिफाइन किए हैं उससे अलग कोई नंबर बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ए एन एन वन हो गया, जब यहाँ पे ये है हमारा ए एन एन, ये है ना, ये सारा जो भी डायगोनल एंट्री में दिखता जा रहा है ये वैल्यू है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है सारा। तो अगर ए एन एन का वैल्यू वन है तो बी एन एन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अगर ए एन एन वन के इक्वल नहीं है तब इसे बोल देंगे कि वन है, ताकि दोनों अलग हो जाए, बी एन एन वन। अब इससे हुआ क्या ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हम लोग पहला देखें एक्स वन के बारे में, नाउ अब हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या वाई एक्स वन के इक्वल हो सकता है, वाई क्या एक्स वन के इक्वल हो सकता है, हम लोग ये मैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ए वन वन, ठीक है, ए वन वन अगर हमारा वन है, ए वन वन जैसे ही हमारा वन हो जाएगा, बट यहाँ पे ये जो वाई का जो वैल्यू है हम लोग क्या ले रहे हैं, लेट्स सी, बस कंसीडर के लिए मैं इसे मैं इरेज कर दूंगा फिर, कि ए वन वन क्या है, वन है हमारा। तो यहाँ पे वाई जो डिफाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो पॉइंट ए वन 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 है, तो ये थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री एंड समथिंग कुछ कुछ आएगा, कोई मतलब नहीं। अब और एक्स वन क्या है हमारा, एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज जीरो पॉइंट वन एंड समथिंग, ठीक है, यही ना होगा, एक्स वन हो गया क्योंकि ए वन वन हम लोग वन ले लिए। तो एक्स वन देख रहे हैं जीरो पॉइंट वन से स्टार्ट हो रहा है एंड सम है, वाई जीरो पॉइंट थ्री है, इससे हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि वाई और एक्स वन क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख लिए कि वाई और एक्स वन, एक्स वन नॉट इक्वल्स टू वाई है हम लोग देख लिए, क्योंकि एज एज ए वन वन नॉट इक्वल्स टू बी वन वन, ए वन वन कभी भी बी वन वन के इक्वल होगा ही नहीं, ए वन वन इस बी वन वन के इक्वल हुआ ही नहीं, ये इसके इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक्स टू और वाई के बीच क्या है, क्या ये दोनों इक्वल होगा। तो एक्स टू और वाई तभी इक्वल होगा जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाना चाहिए, लेट से कि ये ए टू वन और बी वन वन इक्वल हो गया, ठीक है, बट सेकेंड एलिमेंट ए टू टू और बी टू टू भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन बी टू टू कभी भी ए टू टू के, ए टू टू जब वन होगा तो बी टू टू थ्री हो जाएगा, ए टू टू वन नहीं होगा तो वो वन हो जाएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, एज ए टू टू नॉट इक्वल्स टू बी टू टू। ऐसे ही एक्स थ्री अगर हम लोग देखें तो ये भी वाई के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब ए थ्री थ्री लेंगे तो वो बी थ्री थ्री के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो y है ये किसी भी वैल्यू, यहाँ पे जो डिफाइंड वैल्यू है किसी से भी इक्वल नहीं होगा, मीन्स जो y जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए वो कैसा है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस वैल्यू, वो क्या है, अलग है ना इन सारे वैल्यूज से। तो हम लोग यहाँ से ये कमेंट कर सकते हैं कि हेंस y इज डिफरेंट फ्रॉम x1, x2 अप टू एक्स एन एंड सो ऑन, जो भी हम लोग यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स एन डिफाइन किए हैं उससे क्या अलग है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन जो भी डिफाइन किए थे इसे हम लोग क्या बोले थे कि ये सारा वैल्यू को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये काउंटेबल हम लोग कंसिडर किए थे, और हम लोग ये बोले थे कि बाय डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, इसका मतलब यहाँ पे सारा वैल्यू इस जीरो वन के बीच का जो कोई भी हम लोग नंबर लें वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, हम लोग ये एज्यूम किए थे, बट हम लोग ये दिखा दिए कि नहीं, एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब y क्या हो गया, जो हमारा जो सपोजिशन था कि ये जो काउंटेबल है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसका मतलब हेंस जीरो वन इज अनकाउंटेबल। इसका क्या मतलब होगा कि जीरो वन अनकाउंटेबल है और इसे हम लोग बाइजेक्शन में नहीं दिखा सकते सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ओके ठीक है। तो ये प्रूफ था इसका, ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।